दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है मुकम्मल क्रिकेट होता है, संपूर्ण क्रिकेट होता है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका असर वनडे में, T20 में, यानी हर फॉर्मेट में एक बड़ा पॉजिटिव होता है, अच्छा असर होता है, सकारात्मक होता है। लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि आपका मनोबल बढ़ता है आपके विकेट लेने से, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। अब रेड बॉल क्रिकेट को ही लीजिए, उसमें आकाशदीप जो कि तेज गेंदबाज हैं भारतीय टीम के, टेस्ट टीम में, और उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। दिलीप ट्रॉफी आई, वहाँ उन्होंने 9 विकेट चटकाए, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 5 विकेट। और इसी तरीके से अब उन्हें खेलने का मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ, तो उन्होंने जाकिर हसन को आउट किया और फिर मोमिनुल हक को आउट किया, दोनों राउंड द विकेट आए थे। वो 5 ओवर में 2 विकेट चटका लिए, बैक टू बैक लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने विकेट चटकाए। और जो जाकिर हसन को जो आउट किया था, वो डाउन द ग्राउंड खेलने गए थे, उस पर वो गच्चा खा गए। इसी तरीके से अगर आप इनका डेब्यू मैच देखेंगे, पहला टेस्ट मैच जो इन्होंने खेला था रांची में इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ इन्होंने जिस तरह से ओली पोप को आउट किया, बेन डकेट को आउट किया, जैक क्राली को आउट किया, वो काबिले तारीफ था। तो ये तो है कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इनमें जज्बा है विकेट चटकाने का, और यही कुछ तजुर्बा, यही कुछ अनुभव उनका अब T20 में उनकी डिमांड बढ़ाने वाला है। जी हाँ, रेड बॉल क्रिकेट का फ़ायदा वाइट बॉल क्रिकेट में। अभी वैसे तो ये IPL में RCB की टीम से खेलते हैं, लेकिन अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 3 टीमें इनके पीछे लग सकती हैं, जिसमें पंजाब किंग्स हैं, दिल्ली कैपिटल्स हैं और आरसीबी की तरफ से वैसे खेलते रहे हैं। आरसीबी एक ऐसी टीम जहां मोहम्मद सिराज हैं, यश दयाल हैं बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज, और वहां पर इनको जो है प्रेफरेंस दी जा सकती है तीसरे तेज़ गेंदबाज के तौर पर। और अगर देखा जाए तो राइट टू मैच का उनके पास एक अवसर रहेगा, राइट टू RTM जिसे कहते हैं, उसमें RCB इनके लिए जा सकता है। और वहीं अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है एक तेज़ गेंदबाज का, क्योंकि एक रबाडा है उनके पास, हर्षदीप है, अब इनको रिटेन करेंगे, पक्की बात है रिटेन करेंगे ही, और उसके बाद तीसरा तेज़ गेंदबाज जो है वो भी आकाशदीप पर जा रहे हैं जैसा हमें पता चला है। और वहीं अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स में मुकेश कुमार और खलील अहमद के अलावा जो अगर तेज़ गेंदबाज है ईशांत शर्मा, मुझे नहीं लगता कि ईशांत शर्मा के लिए रिटेन करने के लिए जाएंगे। उम्र भी एक कारण हो सकता है, तजुर्बा है ठीक है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुकेश कुमार और खलील के अलावा अगर तीसरा कोई तेज़ गेंदबाज होगा तो वो आकाशदीप हो सकते हैं। तो यहाँ इन 3 टीमों के बीच जद्दोजहद है, और अगर कोई इनको रिटेन नहीं करता है, जैसे मान लीजिए RCB रिटेन नहीं करता है, तो फिर कंपटीशन जो है आप मानकर चलिए कि इन 3 टीमों के बीच रहेगा आकाशदीप को लेकर। और वो 3 टीमें हैं जैसा कि हमने बताया, RCB, पंजाब किंग्स और तीसरी दिल्ली कैपिटल्स। आप क्या सोचते हैं, किस टीम में रहेगा इनका अच्छा भविष्य? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नमस्कार।